गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे आसना पार्क, जो जगदलपुर से 10 किलोमीटर है, आसना चौक से लगा हुआ है। आसना पार्क बहुत अच्छा जगह है पिकनिक के लिए, पार्टी के लिए, घूमने के लिए। आप फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ आ सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं आसना पार्क। आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलते हैं आसना पार्क और वहाँ का लोकेशन दिखाते हैं आज। ये देखिए, ये आसना पार्क का गेट है, ये गेट बना हुआ है यहाँ पे। ये गेट आपका, ये आसना पढ़ी हो, मस्त इंग्लिश लिख ले रही हो। हाँ। अबे बताइए यहाँ पे होगी अपने जमाने का। हाँ, चलिए चलते हैं, ठीक है। आप अच्छा अच्छा है, समिति अच्छा लगा नहीं, एक साथ एकजुट हो गया, अच्छा काम करते हैं आप लोग। देखिए हम आसना पार्क के अंदर आ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है आसना पार्क, देख रहे हैं आपने। यहाँ पे काजू उत्पादन केंद्र, और यहाँ पे घूमने फिरने के लिए, बैठने के लिए, इसके जीवन चरित्र। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, सैगुन का बना हुआ है। ये लकड़ी का बना हुआ है, देखिए जीवन चरित्र सैगुन का है, और वृक्षराज कांकेर का ये बनाया हुआ है। जन्म 1880, मृत्यु 2003। बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो फैमिली के साथ में आए हुए हैं वन भोज के लिए, और यहाँ बहुत अच्छा जगह में है आसना। जगदलपुर से 10 किलोमीटर की दूरी में बसा हुआ आसना पार्क है वहाँ पे। तो आज बहुत अच्छा फील लग रहा है यहाँ पे, जो आदिवासी का कल्चर बना हुआ है, घर बना हुआ है यहाँ पे, दिखाने के लिए बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे। आप वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरे चैनल में। तो चलिए आपको चलते हैं, पहले खाना बनाते हैं, अब खाना की तैयारी करते हैं, उससे पहले हम चूल्हा बनाते हैं। चलो यहीं पे खाना बनाना है हमको। अब पूरा जंगल है, देखिए पूरा जंगल के बीच में बना हुआ है आसना, और ये जो भाई जी सफाई कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे बैठ के खाएंगे खाना हम लोग। उससे पहले बनाते हैं चूल्हा। हम लोग सामान निकाल रहे हैं यहाँ से, और कुछ सामान जी पानी के लिए, पीने के लिए है ना। हाँ चलते हैं और जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए चलो भाई, खाना कौन बनाएगा आज? खाना जेंट्स लोग बनाएंगे खाना। जेंट्स लोग, चूल्हा तैयार है, देखिए आग जल चुका है चूल्हे में, और पानी रखे हैं खाने के लिए। अब खाना बनने जा रहा है, बासमती चावल से खाना बनाएंगे आज, और बहुत खुशबूदार होते हैं बासमती चावल, तो उसी से खाना बनाएंगे आज बासमती चावल से, और बहुत मजा आएगा आज। वेरी गुड वेरी गुड। पकड़ो पकड़ो, आई होप
अब चिकन मर रहा है, देखिए आज पिकनिक कहाँ आई हो? ठीक से रोशन भाई चिकन लाया था धर्मपुरा का, साला डोगरा चिकन लेकर आया था और डोगरा था और पोलियो हो गया लगता था मेरे को। मुझे भी खाना है, मुझे दे मैं भी खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। इतना पार्क में और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बच्चे लोग के लिए खेलने के लिए झूला वूला है, सभी लोग है यहाँ पे, आप पानी की व्यवस्था है की और घूमने फिरने की अच्छी जगह है यहाँ पे आसना पार्क में, सिटीज लगा हुआ है, आप भी आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में। अरे मुन्ने क्यों बंद कर दी? चलो भाई चाय पीते हैं, आप खाना खाने के बाद में चाय पी रहे हैं, ये चाय बन गया। हाँ बिना डांस करे कोई नहीं जाएगा यहाँ से ना। आ जाओ चाय पीना है, आ जाओ सबका, आ जाओ भाई। हम लोग ने लंच करने के बाद चाय का कार्यक्रम है और चाय पी रहे हैं, टी पार्टी है और टी पार्टी के लिए आज हमारे सहयोगी हैं सीताराम जी, जिसने दूध लाया है और चाय बनाया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम आए थे हम लोग
आसना में सब इकट्ठा हुए, बहुत इंजॉय हुआ यहाँ पे, खाना वाना खाए प्लस खेले वेले यहाँ के जो झूला वूला थे और फुटबॉल वुटबॉल मैच हुआ यहाँ पे, और हमारे जो आदिवासी लोग का जो बना हुआ है वहाँ पे चित्रण वो भी देखे, बहुत अच्छा लगा हमको। इस तरह बहुत अच्छा लगा। अभी जब भी आएंगे ना पार्टी बुक करके आएंगे और रहेंगे यहाँ, यही रहेंगे, यही रहेंगे। आप भी आइए आसना, जगदलपुर से 10 किलोमीटर ओनली 10 किलोमीटर है जगदलपुर से। आप अपनी फैमिली के साथ, रिश्तेदार के साथ, अपने लवर के साथ यहाँ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ, आप कहीं भी जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे आपको एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं 60 × 120 किलो जी, 60 किलो है, 60 किलो 100 किलो 50 50 आज देखा था 10 10 किलो घटा दिए थे। गाइस अब यहाँ से निकलते हैं हम, और हमारा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए, और जो मेरे चैनल में नए होंगे वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।